नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आईपीएल 2020 के नौवे मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने सामने थी। इस मुकाबले में बल्लेबाजी का अद्भुत नमूना पेश हुआ। पहले पंजाब ने खेलते हुए 20 ओवर में 223 रन ठोक डाले और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए राजस्थान रॉयल्स ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा पेश किया, लेकिन इस दौरान एक फील्डिंग ने सभी को हैरान कर दिया। जी हाँ, राजस्थान की पारी का 8वां ओवर था और गेंदबाजी कर रहे थे रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई की गेंद पर संजू सैमसन ने छक्के के लिए शॉट मारा। गेंद सीमा रेखा के पार पहुंच चुकी थी, लेकिन इसी दौरान फील्डिंग कर रहे निकोलस पूरन ने सुपरमैन की तरह डाइव लगाया और ना सिर्फ गेंद को लपका और गिरने से पहले उसे बाउंड्री के अंदर फेंक दिया। यह हैरान कर देने वाला लम्हा था। एक छक्के को निकोलस पूरन ने 2 रन में तब्दील कर दिया था। हर कोई इस फील्डिंग को देखकर हैरान था, यहां तक कि सचिन तेंदुलकर ने भी इस फील्डिंग को लेकर ट्वीट किया। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैंने इससे अच्छी फील्डिंग अपनी जिंदगी में नहीं देखी। सचिन का यह कमेंट अपने आप में बहुत बड़ा कमेंट है, क्योंकि निकोलस पूरन ने जिस अंदाज में गेंद को ना सिर्फ पहले लपका और फिर बाउंड्री से बाहर हवा में उड़ते हुए गेंद को अंदर फेंक दिया, पहली बार में तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि क्या कोई फील्डर ऐसा भी कर सकता है। ये एक हैरान कर देने वाली फील्डिंग थी जिसे निकोलस पूरन ने अंजाम दिया। आपको बता दें, इस मुकाबले में पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मयंक अग्रवाल और केएल राहुल की शानदार पारी के दम पर 20 ओवर में 223 रन बोर्ड पर टांग दिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।